बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मानसून चल रहा है, जितना मर्ज़ी नहा लो, नहा के निकलो फ़ौरन पसीना आ रहे होते हैं। आज की वीडियो में ऐसे प्रोडक्ट शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपको कूलिंग भी प्रोवाइड करेंगे और बाद में आपको पसीना भी रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ठंडे पानी से आपने शावर लेना। मुझे ठंडे पानी से शावर लेना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ठंडे पानी से पहले पूरा मतलब बॉडी गीली कर रहा हूँ अपनी, ताकि ऊपर जो भी मैं अप्लाई करूँ अच्छे से लेदर वगैरह प्रोड्यूस हो चुके हो सके सभी। तो शैम्पू के लिए मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे सनसिल्क का लाइवली क्लीन एंड फ्रेश। ये बहुत अच्छा शैम्पू है, ये मेरे पास थाईलैंड का है। ठीक है, आप पाकिस्तान में ये वाला फ्लेवर अवेलेबल नहीं है, कलर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप थाईलैंड का इजीली अवेल कर सकते हो किसी बड़े स्टोर से। 1600-1700 रुपये का आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें मेंथोल पाया जाता है, जब आप इससे अपना सर वगैरह धोते हो तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा ठंडक प्रोवाइड करता है। ये मेरी स्किन को, जो सर की जेल्द है, स्किन है, उसको काफ़ी ज़्यादा फ्रेश बना देता है। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है और आप किसी भी बड़े स्टोर से देख सकते हो, आपको ये इजीली मिल जाएगा। लेकिन मेक श्योर करना है ओरिजिनल सनसिल्क हो, फेक भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। अच्छे से इसकी स्कैल्प के अंदर मसाज करनी है। अपने स्कैल्प के ऊपर मसाज करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्कैल्प के ऊपर जितना भी डस्ट वगैरह होगा उसको ये सारा निकाल के बाहर कर देगा और आपकी स्कैल्प जो है उसको काफ़ी ज़्यादा ठंडक प्रोवाइड करेगा। और जब आप सर भी धो लोगे तो आपके स्किन पे काफ़ी ज़्यादा आपको कूलिंग सेंसेशन फील होती रहेगी। ठीक है, तो ये करने के बाद मैं इसको अपने पूरे सर में से निकाल दूंगा। आहिस्ता से करके आपने शावर के नीचे पीछे की तरफ हाथ घुमाते हुए सारा बालों से निकाल देना है। देख लेना कोई इसका बिल्कुल भी रेजिड्यू आपके बालों में ना रह जाए। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, तो इसलिए सारा सर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारा करने के बाद अब आती है बॉडी की बारी। बॉडी के लिए जब बैड को कुछ यूँ है, मैंने डॉलर स्टोर से लिया था 270 रुपये का। वन ऑफ द बेस्ट मैंने बॉडी वॉश यूज़ किया, दिस इज़ इन फ्लेवर्ड लेमन। लेमन में क्या है कि ये विटामिन सी है, फ्रेशनेस का काफ़ी ज़्यादा एहसास देता है। इसके इस्तेमाल के बाद क्या होता है, आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है। तो आपने कोशिश करना है बॉडी वॉश के लिए कोई भी आपने ऐसा साबुन या फिर बॉडी वॉश जिसमें मेंथोल पाया जाता हो, आपने ये यूज़ करना है। और ये आप देख सकते हो चीज़ें मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, इनकी हालत से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो मेरी तरफ से ये वाला भी जबाटको कुछ यूँ नाम है इसका, इसमें कोकोनट भी है, इसमें जैस्मिन भी फ्लेवर है। लेकिन आई वुड से कि इन समर अगर आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है तो गिव अ ट्राई टू दिस, मतलब जो क्या बोलते हैं कलर और फ्लेवर वाट एवर। अच्छा, इसको मैं पूरे अपनी बॉडी पे लगा रहा हूँ अच्छे से। उसके बाद ये आप देख सकोगे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसने लेदर प्रोड्यूस कर दी है। लेदर इसकी काफ़ी ज़्यादा इसने प्रोड्यूस की है, ये नहीं कि थोड़ी बहुत अच्छे से इसने बॉडी के ऊपर लेदर प्रोड्यूस किया। और डोंट वरी, मैंने पैंट्स नीचे शॉर्ट्स पहने हुए हैं, शॉर्ट्स पहन के ही वीडियो बना रहा हूँ। और ऊपर से मतलब खैर होती है, कौन सा साइज इशू है। अच्छा है, ठीक है। तो ये सारा करने के बाद इसको मैं अपनी बॉडी से निकाल रहा हूँ और यकीन जानो मुझे इस वक्त इतनी कूलिंग सेंसेशन फील हो रही है, इतना कूलिंग और मेंथोल टाइप फील हो रहा है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये अप्लाई करने के बाद इसको हम निकाल देंगे पूरे अपनी बॉडी से, इसको निकाल देंगे। एंड यू गाइस कैन सी टैन ऑन माय बॉडी, यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो, हालांकि मैं क्यूटी बोलूँ। उसके बाद मैं टूथपेस्ट भी वही यूज़ करता हूँ जिसमें कूलिंग सेंसेशन पाए जाते हो। सेंसेशन क्या बोल रहा हूँ मैं, कूलिंग मतलब फील पाया जाता हो, मेंथोल पाया जाता हो। तो ये मेरे दांत भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अप्लाई करने के बाद अच्छे से ब्रश करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब बारी आती है ये साफ़ करने के बाद हमारे फेस वॉश की। तो फेस वॉश के लिए मैं वन ऑफ द बेस्ट ग्लो डस्ट अपने ब्रांड का ही फेस वॉश यूज़ करता हूँ। ये आलमंड और दूध का ये कॉम्बिनेशन है, इतना ज़बरदस्त मिल्की फेस वॉश है पूछो ना। थोड़ा सा लो और आपके फेस को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देता है, दूर दूर तक पसीना और या फिर आपके फेस पे जो ऑयल है नहीं आता और उसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो यही था मेरी तरफ से ये शावर रूटीन जो कि आपको सर्दियों में लेनी चाहिए, गर्मियों में सॉरी लेनी चाहिए, और आपको ठंडा रखेगी, आपका टेम्परेचर ठंडा रखेगी और आपका ब्लड प्रेशर वगैरह भी इससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। तो ये धोने के बाद मेरी ये जो शावर रूटीन है कम्प्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।